गुरु सवारी साध संगत जीओ अज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू तरफों की जा रही है। सो सब तो पहला तो मैं मीडिया जन का जेडे कि शॉर्ट नोटिस के उत्ते सारे आप जी कवरेज के लिए आए हो, मैं सब तो पहला सारे का धन्यवाद करदा। तो उस तो बाद जो अज मेन मुद्दा लैके असी अज जो आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं तो नाल संगत दे नोटिस भी लैके आने, जिमें सानू सारिआं नूं पता है कि बड़ी शार्टली जिहड़ी साडे पार्लीमेंट दे विच लोक सभा दे विच जो जे एंड के दे विच रीओरगनाइजेशन जिहड़ा बिल है वह पेश होण जा रहा है, जिहदे विच इन्हां ने जिहड़ी साडे डीलिमिटेशनस तों बाद जो सीट्स की वंड सी उस नूं अगे जो सैटल किया, उस दे विच जिथे साडे कश्मीरी जिहड़े पंडित भरा सन जिहड़े उन्हां नूं जिहड़ियां दो सीटां जो एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स दे मुताबक जो दो सीटा ने उन्होंने लिए रिजर्व कीतियां ने, एक साढ़े भरा जिहड़े पीओ जेके दे जिहड़े रिफ्यूजी सन उन्होंने लिए कीती है। सो जो सिख माइनोरिटीज़ वाले लोग सन जां सिख कौम की एक बहुत बड़ी मंग रही है कि असी साढ़े वास्ते भी जिहड़ियां सीटा ने एज़ पर साड़ी पापूलेशन के मुताबक सानू जिहड़ियां ने वो सीटा भी कम से कम दो सीटा एक कश्मीर रीजन दे विच और एक जम्मू रीजन दे विच साढ़े नाल साढ़े वास्ते भी रिजर्व कीतियां जान, और उस दे नाल क्योंकि लगभग 3 लाख के करीब की साड़ी जिहड़ी पापूलेशन है जो जे जे एंड के दे विच है और 20 के करीब जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी साड़ियां हैगियां जिहदे विच सिख डोमीनेट्स करदे ने और जिथे साड़ी वोटिंग परसेंटेज जिहड़ा है 20-25-30% है। यह भी सानू सारिआं नूं पता है कि डीलिमिटेशन दे विच जिथे कुछ जगह रिजर्वेशन सीटां रिजर्व होईआं ने, बहुत सारे सिख एरियाज ऐसे ने जिथे साड़ी उत्थे बहुतात गिनती सी लेकिन वह जां तां रिजर्व हो गईआं जां उन्हां नूं वंड दित्ता गया, वह कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच फर्क आ गया। सो इस सरकार नूं असी खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं असी यह अपील करांगे जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जम्मू कश्मीर की सिख संगत वालों एक खास करके साड़ी अपील होगी कि माइनोरिटीज़ का ध्यान रखा जाए और जिथे बाकी दे लई कश्मीरी पंडित दे लई दो सीटा तुसी रिजर्व कीतियां ने वेलकम है, सानू अच्छा डिसीजन है, सानू किसी दे नाल ऐसा नहीं कि असी किसी को वापस कुछ लैना चाहते हैं, पर एज़ पर अवर पापूलेशन जो साड़ी पापूलेशन है साढ़े सिख हिसाब के नाल साड़ियाँ जिहड़ियां बाकी बनदियां सीटा ने उहदे विच कम से कम एक कश्मीर रीजन दे विच और एक जम्मू रीजन दे विच दो सीटा नूं जरूर रिजर्व किया जाए और उस दे नाल जो पीओ जे के विच साढ़े जिहड़े हैं उन्हां विच भी सीटा की जिहड़ा बढ़ोतरी की जाए। अज इस मुद्दे नूं लैके असीं इह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सो ज़्यादातर जिहड़ी इसकी डिटेल है वह डिटेल रिपोर्ट मैं अपने वीर बलविंदर सिंह जी नूं बेनती करांगा, वह आप जी तक पूरा थारोली डिटेल रिपोर्ट आप नाल सांझी करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह सारा नूं पता मीडिया रिपोर्ट के राही बाहर आया है कि कुछ ही दिनों इसी मौजूदा सैशन के जे एंड के रीओरगनाइजेशन बिल जो अमेंडेड है 2019 का 2023 बिल लोग सभा रखन जा रहे हैं, जिसे प्रपोज यह किया गया कि दो सीटा कश्मीरी पंडित कम्यूनिटी के लोगों को दी जाएगी तो पीओ जे के वास्ते 24 सीटा रिजर्व की गई सी, उन्हें जो एक फ्रीज करके एक सीट पीओ जे के रिफ्यूजी दी जा रही है, उस पर मैं कुछ चानना पावगा कि जो कश्मीरी पंडितों को दी गई दो सीटा मुबारक है उन्होंने, सानू किसी नाल कोई इतराज़ नहीं, मुबारक है, वेलकम स्टैप उन्होंने दी गई है, लेकिन साड़ी बड़ी देर के पिछले डिमांड से साड़ी दो सीटा रिजर्व की जा किस बेस से, यह सानू भी पता कि रिलीजन बेस से नहीं होंगे, लेकिन कोटा साड़ा भी है जिस बेस से सीटा रिजर्व की जा सकती, जो पंडितों को दी गई और जो पीओ जे के एक सीट दी गई उस गल की कही गई भाई ये क्यों दी जा रही, वो इस करके गया टू प्रजर्व देयर पोलीटिकल राइट्स एज वेल एज देयर सोशल एंड इकनॉमिक डिवेलपमेंट। ठीक है, जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती उन्होंने पोलीटिकल राइट्स नहीं मिलते उन्होंने डिवेलपमेंट नहीं होती वो पिछले निगलैक्टेड रहे हैं। उसके बाद 2019 के रीओरगनाइजेशन एक्ट के दो सीटा वूमेन के लिए रिजर्व रखी गई, वो भी जरूरी सी क्योंकि औरतों को भी बराबर का हक मिलना चाहिए, उत्थे भी नाल लाइन जोड़ी गई वर्ड जोड़िया गया भाई औरतों को क्यों दी जा रही है बिकॉज देर डोंट दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, वहाँ पर्याप्त मात्रा में उनको रिजर्वेशन नहीं थी, मैं जिन्हें भी नहीं क्योंकि 32% रिजर्वेशन पोलीटिकल पार्टी भी रखती औरतों लिए दो रखी गई मुबारक है, लेकिन सिखा की जितने रिप्रजेंटेशन ही टोटल जीरो है तो उन्होंने लिए रखी सीटा क्यों ना रखी जाए, जो सिख वैली चो उन्होंने भी सफर किया, अगर साढ़े कश्मीरी भरा मारे गए साढ़े सिखा ने भी कश्मीरी ने सफर किया, सिखा ने भी माइग्रेशन रूरल एरिया पिछों निकल के शहर जाना पाया उन्होंने अपनी जान पहचान के लिए उस वक्त, लेकिन उत्थे रहे और जब माइग्रेशन हुई 47 की पार्टीशन हुई
तद भी सिखां दे उत्ते 35 से 40 हज़ार सिख तां भी मारा गया, जिदा मीरपुर मारे गया, पुंछ मारे गए, कोटरी मारे गए, मुजफ्फराबाद मारे गए। सो उस वक्त की सरकार ने फैसला किया कि डीपीज के वास्ते 24 सीटा रिजर्व रखिया जाएगी जो पीओजेके के करके, और पीओजेके का यह मसला जब जम्मू के पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के मैंबर जम्मू च आए, उन्होंने एक फैसला किया पीओजेके के रिफ्यूजी उन्होंने मिले, जिसे असं भी सारे सिख जम्मू के 90% सिख पीओजेके चाहते हैं। उन्होंने 12 दिसंबर 2014 पार्लियामेंट जो रखिया 14 उन्होंने क्लीयर कट लिखिया, उन्होंने बिल्कुल लिखा भाई जो डीपी से डेप्यूटी सर मिले हैं उन्होंने जेन्युइन डिमांड सन, इन जो 24 सीटा कम से कम, क्योंकि पाकिस्तान तो जितनी पापुलेशन पाकिस्तान की उस टाइम से 1/3 पापुलेशन सारी हिंदुस्तान माइग्रेशन कर गई थी, इस करके 24 के 8 सीटा उन्होंने कहा जी डीफ्रीज करके इन्होंने दी जावन। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है, उस पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के मैंबर कौन कौन सी? वेंकटे नायडू जी जो हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे, मैं अपोजिशन के लीडर भी नाल सी, उन्होंने गल मनी पाई है डी पीज़ को 8 सीटा मिली चाहिए। सो साडा मानना है कि एक तो साडा हक बनता है अगर कश्मीरी पंडितों को दिता गया माइग्रेशन बेसिस है, साडे कश्मीर के सिखा ने भी माइग्रेशन की, उन्होंने भी सिख उस माइग्रेशन कोटा भी सिखा ने भी सीट बनती है। दूजा साडे जो पीओजेके के जो रिफ्यूजी जम्मू कश्मीर सैटल हैं 12-13 लाख आबादी है, उसे सिखा की भी 2-3 लाख आबादी सिखा की भी पीओजेके के रिफ्यूजी की है। सो 8 सीटा डीफ्रीज करके साडा भी कोटा पूरा किया जाए। सो आज की दौर मंग करते हैं 1 सीट सानू श्रीनगर तो, 1 सीट सानू जम्मू तो, अज की नहीं बड़े कई डिकेट की साड़ी मंग है, हर सक्सैसिव गवर्नमेंट को असं मंग करते हैं, क्योंकि सानू को जब तक पोलीटल रिप्रजेंटेशन नहीं मिलेगी साढ़े हक हकूक की गल असैम्बली रखने वाला कोई नहीं होगा। सो MLC का भी मुद्दा इं हों, MLC अपर हाउस इस करके रखा जाता भाई जो कम्यूनिटीज अनरिप्रजेंटेड रही, जिन्हें स्कैटर्ड वोट है, जो अपना नुमाइंदा चुन के नहीं भेज सकदियां, अपर हाउस इस लिया जाता ताकि इस कौम को नुमाइंदगी दी जा सके। कई सरकारों ने देती सी लेकिन पिछले बहुत देर तो निगलैक्टेड पे हैं। सो सरकार अगर असं मंग करते हैं कि साड़ी इस कोटे को पूरा किया जाए, सानू भी लगेगा कि साडा सरकार स्टैप मतरी ट्रीटमेंट नहीं करती, सबका साथ सबका विश्वास असं कहने हाँ, लेकिन सानू अज भी लगता कि साडा स्टैप मतरी ट्रीटमेंट किया जाए क्योंकि बिल्कुल इग्नोर किया गया, और जब किसी की पोलीटिकल रिप्रजेंटेशन नहीं होएगी उस कम्यूनिटी की अस्टैबलिशमेंट नहीं हो सकती, उस कमेटी की तुम तरक्की नहीं हो सकती उस कम्यूनिटी की जिसनों अगर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। सो उसके सरकार को मैं दरख्वास्त करना कि इस सूँ इन चीज़ों देखा जाए, और मैं एक चीज़ होर कह